खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हम रोजों के मौसम में से दुआ बंदगी रोजा और रियाजत के साथ गुजरे हैं और आज हम पाक हफ्ता में दाखिल होते हैं और याद करते हैं आज उस वाक्य को जब यीशु यरूशलम में दाखिल हुआ और लोगों ने उसके रास्ते में कपड़े बिछाए और हाथों में टहनियाँ लेकर उसका इस्तकबाल किया। आज सारी दुनिया में मसीही इस वाक्या को याद करते हुए खजूरों का इतवार मनाते हैं और याद करते हैं कि जिस तरह यरूशलेम के रहने वालों ने यीशु का इस्तकबाल किया, हम भी आज अपने गीतों से अपने नारों से यीशु का इस्तकबाल करते हैं, अपने हाथों में खजूर की टहनियाँ लेकर। खजूर की टहनियाँ अपने हाथों में लेना फतहमंदी का निशान है। सो आज हम उस मसीह के पैरोकार होते हुए जो मर गया और मुर्दों में से जी उठा, फतहमंद खुदावंद है, उसके नाम से हम अपने हाथों में खजूर की टहनियाँ लेकर अपने इस क्रिश्चियन कॉलोनी में खुशी के साथ गीत गाते हुए नारे बुलंद करते हुए जाएंगे और आज दुआ भी करते हैं। मेहरबान बाप पूरी दुनिया में अमन और सलामती कायम करे, हर एक घर में हर एक खानदान में खुदावंद की सलामती हो। दुआ भी करते हैं कि खुदावंद उन तमाम मुल्कों में जहां जंग और जदल है, यीशु बादशाह जो अमन और सलामती का बादशाह है, अमन लाए। अभी खजूरों को बरकत दी जाएगी, हम दुआ मांगे। मेहरबान बाप इन खजूरों को बरकत दे जिन्हें हम तेरे पाक नाम से बरकत देते हैं। तू भी इसे बरकत दे ताकि जब हम इन खजूरों को हाथों में लेकर तेरा इस्तकबाल करें तो बड़े ईमान के साथ और बड़ी अकीदत के साथ तुझे अपना बादशाह माने और तेरी ही पैरवी करे, तेरा ही हुक्म हमारे दिलों में हमारी जिंदगियों में हमारे घरों और खानदानों में हो और तेरी बादशाही आए। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। पाक कलाम में से तिलावत करेंगे मुकद्दस लूका की इंजील उसका 19वां बाब 28वीं आयत से। उस वक्त यीशु यरूशलेम की राह लेकर आगे आगे चला और ऐसा हुआ उस पहाड़ पर जो जैतून कहलाता है बैतफजे और बैतानिया के नज़दीक पहुंचा तो अपने शागिर्दों में से दो को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ पाओगे जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, उसे खोल कर लाओ और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो उससे यूं कहना कि खुदावंद को दरकार है, भेजे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और जब गधी का बच्चा खोलने लगे तो उसके मालकों ने उनसे कहा इस बच्चे को क्यों खोलते हो, उन्होंने कहा खुदावंद को दरकार है और वो उसको यीशु के पास लाए।
और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को सवार किया। जब वो जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बचाते थे, और जब वो कोहे जैतून के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमाएं उन मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से यूं कहते हुए खुदा की तमजीद करने लगे, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सलामती और आलमे बाला पर जलाल। और उस हजूम में से बास फरीसियों ने उससे कहा, ऐ उस्ताद अपने शागिर्दों को झिड़क। और उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ अगर ये चुप भी रहे तो पत्थर चला उठेंगे। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबकी खताएं मुआफ की जाए।
खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ हो। यसु मसीह के दुखों का जिक्र मुकद्दस लूका के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। जब वक्त हो गया तो यसु 12 रसूलों समेत खाना खाने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक कि वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। और प्याला लेकर शुक्र किया और कहा, इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से अंगूर का रस कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। फिर रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उन्हें दी, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाएगा, मेरी यादगारी के वास्ते ये ही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद ये कहकर प्याला भी दिया, ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है, मगर देखो जो मुझे गिरफ्तार करवाता है उसका हाथ मेरे साथ दस्तरखान पर है, क्योंकि इब्ने इंसान तो जैसा उसके वास्ते मुकरर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस जिसके वसीले से वो गिरफ्तार किया जाता है। इस पर वो आपस में पूछने लगे कि हम में से कौन है जो ये करने को है, और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाए। पर उसने उनसे कहा, गैर कौमों पर उनके बादशाह हुकूमत चलाते हैं और जो उन पर इख्तियार रखते हैं वो मोहसिन कहलाते हैं, मगर तुम ऐसे ना हो, बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानिंद और सरदार खादम की मानिंद बने, क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठता है या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठता है? लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानिंद हूँ। तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे, और जैसे बाप ने मेरे लिए बादशाही मुकरर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकरर करता हूँ, ताकि मेरी बादशाही में मेरे दस्तरखान पर खाओ और पियो और तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों की अदालत करो। फिर खुदावन ने कहा, शमाउन शमाउन, देख शैतान ने तुझे तलब किया ताकि गंदम की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। पत्रस ने उससे कहा, ऐ खुदावन, मैं तेरे साथ कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। मगर यसु ने कहा, ऐ पत्रस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना करे कि मैं उसे नहीं जानता। और उसने उनसे कहा, जब मैंने तुमको बटवे और थैली और जूतों के बगैर भेजा था तो क्या तुम्हें किसी चीज की कमी रही थी? उन्होंने कहा, किसी चीज की नहीं। उसने उनसे कहा, मगर अब जिसके पास बटवा हो वो उसे ले, और इसी तरह थैली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वो अपना चोगा बेचकर खरीदे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये निविष्टा मेरे हक में पूरा होना वाजिब है कि वो बदकारों के साथ शुमार किया गया, इसलिए कि मुझसे निस्बत रखने वाली बात अंजाम तक पहुँचने वाली है। उन्होंने कहा, देख ऐ खुदावन, यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, यही बस है। और वो निकलकर अपने दस्तूर के मुताबिक
कोहे जैतून को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और वो उनसे जुदा होकर तकरीबन पत्थर का पटा टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर दुआ करते हुए कहने लगा, ऐ बाप अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकवीयत देता था। फिर वो जानकनी की हालत में और भी सरगर्मी से दुआ करने लगा और उसका खून पसीना की मोटी मोटी बूंदों की मानद होकर ज़मीन पर टपकता था। जब वो दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उनको गम की वजह से सोते पाया और उनसे कहा, तुम क्यों सोते हो, उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। वो ये कह ही रहा था कि देखो एक हजूम आया, उन बारह में से जो यहूदा कहलाता था उनके आगे आगे था। वो यीशु के पास आया कि उसको चूमे, तब यीशु ने उससे कहा, ऐ यहूदा क्या तू इब्ने इंसान को भोसा लेकर पकड़वाता है? जब उसके साथियों ने मालूम किया कि क्या होने लगा है तो कहा, ऐ खुदावंद क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने सरदार काहिन के गुलाम पर तलवार चलाई और उसका दहना कान उड़ा दिया। तब यीशु ने जवाब में कहा, बस इतना ही काफी है, और उसके कान को छूकर बहाल किया। फिर यीशु ने सरदार काहिनों और अदालत के सरदारों और बुजुर्गों से जो के उस पर चढ़ आए थे कहा, तुम गोया मुझे डाकू को पकड़ने को तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो। मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था और तुमने मुझ पर हाथ न डाला, लेकिन ये तुम्हारी घड़ी और तरीकी का इख्तियार है। फिर उसको गिरफ्तार करके ले चले और सरदार काहिन के घर में ले गए और पतरस फासले पर उसके पीछे पीछे जाता था। और जब उन्होंने सहन के बीच में आग जलाई और चौगिर्द बैठे तो पतरस उनके बीच में बैठ गया। एक लौंडी ने उसे आग की रोशनी में बैठा हुआ देखकर उस पर खूब निगाह की और कहा, ये भी उसके साथ था। मगर उसने इनकार करके कहा, बीबी मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी उन्हीं में से है। मगर पतरस ने कहा, मियाँ मैं नहीं हूँ। तकरीबन एक घंटे के बाद किसी और ने यकीनी तौर से कहा, बेशक ये आदमी उसके साथ था क्योंकि जलीली है। पतरस ने कहा, मियाँ मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। उसी दम जब वो ये कह ही रहा था मुर्ग ने बांग दी। तब खुदावन ने मुड़कर पतरस पर निगाह की और पतरस को खुदावन की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू तीन बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार जार रोया। और जो आदमी उसे गिरफ्तार किए हुए थे उसको ठट्ठों में उड़ाते और उसे मारते थे और उसकी आंखें बंद करके उसके मुंह पर तमाचे मारते थे और उससे ये कहकर पूछते थे, नबूवत से बता कि किसने तुझको मारा। और ताने मार मार कर बहुत सी और बातें उसके खिलाफ कहीं। और जब दिन हुआ तो कौम के बुजुर्ग यानी सरदार काहिन और फकी जमा हुए और उसे अपनी अदालत आलिया में लाए और कहा, अगर तू अल मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ तो यकीन न करोगे और अगर पूछूं तो जवाब न दोगे, मगर अब से इब्ने इंसान खुदा कादर की दाहिनी तरफ बैठा रहेगा। इस पर उनसे कहा, बस क्या तू खुदा का बेटा है? उसने उनसे कहा, तुम खुद ही कहते हो क्योंकि मैं हूँ।
तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमने खुद ही उसी के मुंह से सुन लिया है। वो सब के सब उठकर यीशु को पिलातुस के पास ले गए और उस पर यह कहकर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया, हमने तहकीक की है कि ये हमारी कौम को बहकाता और कैसर को खिराज देने से मना करता है और अपने आप को मसीह बादशाह कहता है। तब पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने उसके जवाब में कहा, तू खुद ही कहता है। तब पिलातुस ने सरदार काहिनों और अवाम से कहा, मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाता। मगर उन्होंने और भी जोर देकर कहा, ये तमाम यहूदिया में बल्कि जलील से लेकर यहाँ तक रैयत को सिखा सिखा कर उभारता है। पिलातुस ने यह सुनकर पूछा, क्या ये आदमी जलीली है? जब उसे मालूम हुआ कि यह हेरोदीस की अमलदारी का है, तो उसने उसे हेरोदीस के पास भेजा, क्योंकि वो भी उन दिनों यरूशलम में था। हेरोदीस यीशु को देखकर नहायत खुश हुआ, क्योंकि वो उसका हाल सुनकर मुद्दत से शौक रखता था कि उसे देखे, और उसे उम्मीद भी थी कि उससे कोई निशान सरजद होता देखे, और वो उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। और सरदार काहिन और फकी खड़े हुए बड़ी शदोमत से उस पर इल्ज़ाम लगाते रहे। तब हेरोदीस ने माँ अपनी फौज के उसे जलील किया और ठट्ठे में उड़ाया, और चमकीली पोशाक पहनाकर उसको पिलातुस के पास वापस भेज दिया। और उसी दिन हेरोदीस और पिलातुस आपस में दोस्त हो गए, क्योंकि पहले उनमें दुश्मनी थी। और पिलातुस ने सरदार काहिनों, लश्करी सरदारों और अवाम को जमा करके उनसे कहा, तुम इस शख्स को मेरे पास ये कहते हुए लाए कि लोगों को बहकाता है। देखो, मैंने तुम्हारे सामने तहकीकात की है, मगर उन इल्ज़ामों में से जो तुम इस पर लगाते हो, उनकी निस्बत ना मैंने इस शख्स में कुछ पाया और ना हेरोदीस ही ने, क्योंकि उसने इसे हमारे पास वापस भेजा है। और देखो, इससे कोई ऐसा फेल नहीं हुआ है कि जिससे कत्ल के लायक ठहरता, बस मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। उसे ईद में ज़रूर था कि किसी को लोगों की खातर छोड़ दे। वो सब मिलकर चिल्ला उठे, इसे ले जा और हमारी खातर बराबा को छोड़ दे। ये किसी फसाद के लिए जो कि शहर में हुआ था और खून करने के सबब से कैद में डाला गया था। मगर पिलातुस ने इस इरादे से कि यीशु को छोड़ दे उनसे दोबारा कहा, पर वो यूं कह कर चलाते रहे, इसे सलीब दे, सलीब। तीसरी बार उसने उनसे कहा, इसने क्या बदी की है? मैंने तो इसमें कत्ल के लायक कोई कसूर नहीं पाया, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। मगर वो चिल्ला चिल्ला कर इसरार करके तलब करते रहे कि इसे सलीब दी जाए, और उनका चलाना कामयाब हुआ। तब पिलातुस ने हुक्म दे दिया कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक किया जाए, और उसने उस शख्स को छोड़कर जो फसाद और खून की वजह से मुकैद था और जिसे उन्होंने मांगा था, यीशु को उनकी मर्जी के हवाले किया। और जब उसको ले जाते थे तो उन्होंने शमाउन नामी एक किरदानी को पकड़ा जो खेत से आ रहा था, और स्लीप उस पर रख दी कि यीशु के पीछे पीछे उठा ले चले। लोगों का एक बड़ा हजूम और औरतें जो उसके वास्ते छाती पीटती और रो रही थीं, उसके पीछे पीछे चलीं। यीशु ने उनकी तरफ मुड़कर कहा, ऐ यरूशलम की बेटियों, मुझ पर ना रो, बल्कि अपने आप पर और अपने बच्चों पर, क्योंकि वो दिन आएंगे जिसमें कहेंगे, मुबारक हैं वो बांझें और वो रहम जो बार बार ना हुए, और वो छातियां जिन्होंने दूध ना पिलाया। तब वो पहाड़ों से कहेंगे, हम पर गिर पड़ो, और टीलों से कि हमें छुपाओ, क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा किया जाता है तो सूखे के साथ क्या ना किया जाएगा। और वो दो और आदमियों को जो बदकार थे उसके साथ ले जाए जा रहे थे ताकि कत्ल किए जाएं।
और जब वो उस मुकाम पर पहुँचे जिसे खोपड़ी कहते हैं तो वहाँ उसे सलीब दी और उन बदकरदारों को भी, एक को दाएं और एक को बाएं। और यसु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़े बांटे, बांटने के लिए कुरा डाला और लोग खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे, इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मकबूल अल-मसीह है तो अपने आप को बचाए। और सिपाहियों ने भी उस पर हंसी की और पास जाकर उसे सिरका देकर कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और इसके ऊपर यूनानी, लातीनी और अरबी हरूफ में एक किताबा लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। उन बदकारों में से जो सलीब पर लटकाए गए थे, एक ने उसे ताना देकर कहा, क्या तू अल-मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमको भी बचा। लेकिन दूसरे ने झिड़क कर जवाब में कहा, क्या तू अब भी खुदा से नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है? हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि हम अपने कामों का खमियाजा उठा रहे हैं, मगर इसने तो कोई बदी नहीं की। और उसने कहा, ऐ यसु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यसु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। और छठी घड़ी के करीब था कि सारे मुल्क पर तारीखी छा गई जो नौवीं घड़ी तक रही, क्योंकि सूरज की रोशनी जाती रही और हैकल का पर्दा बीच से फट गया। और यसु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये कहकर उसने जान दे दी। और जो कुछ हुआ था, जब सुबादार ने वो देखा तो खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। और जितने लोग इस नज़ारे को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे, जब जब जो कुछ हुआ था देखा तो छाती पीटते हुए लौट गए और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो जलील से उसके पीछे हो ली थीं दूर खड़ी होकर ये माजरा देख रही थी। और देखो यूसुफ नामी एक शख्स था जो मुशीर और मर्द नेक और रास था और उनकी राय और अमल में शरीक नहीं हुआ था। वो यहूदियों के शहर रामा का था और वो खुद खुदा की बादशाही का मुंतजिर था। उसने पिलातुस के पास जाकर यसु की लाश मांगी और उसे उतार कर कतानी चादर में कफनाया और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खुदी हुई थी और जहाँ कभी कोई रखा ना गया था। वो तहिया का दिन था और सबत शुरू होने को था। और वो औरतें जो उसके साथ जलील से आई थीं पीछे पीछे चलीं और उस कब्र को देखा और ये भी कि उसकी लाश किस तरीके से रखी गई है। और लौट कर उन्होंने खुशबूदार चीज़ें और इत्र तैयार किया और उन्होंने हुक्म के मुताबिक सबत के दिन आराम किया। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश। मसीह विच मेरे अज़ीज़ो, आज सारी दुनिया च खजूरां दे इतवार मनाया जांदा है। सारी दुनिया च मसीही अज यसू दे दुखां दा आगाज करते हैं।
अज है खजूरां दा इतवार। अंग्रेजी च इनू पैशन संडे कहंदे ने, जिहदा मतलब है दुखां दा इतवार। अज दे दिन दे दो वड्डे हिस्से ने। सब तो पहला हिस्सा खजूरां दी टहनियां दे नाल जलूस, खुशी वाला हिस्सा। मैं मुबारकबाद देना चाहना सारे इंतजामिया नू, बड़े खूबसूरत तरीके दे नाल अज ए इबादत दा हिस्सा भी तैयार किया गया है। सारी इबादत दी जगह, फिर गलियां भी तैयार किया, फिर बहुत खूबसूरत तैयारी दे नाल अज ए जलूस जिहड़ा के खजूरां दे इतवार दा जलूस है, इहदा इंतजाम किया है। मैं चाहवांगा जोरदार तालियां नाल इंतजामिया नू मुबारकबाद दित्ती जाए, शाबाश और बहुत शुक्रिया। खुशी हुई है इन्नी सारी तैयारी दे नाल, ते अज इन्नी तादाद दे नाल असी इस इबादत च शरीक होए हैं। साडा हर अमल जिहड़ा है ना, वो साडे अंदर दी कैफियत नूं जाहर करदा है। जदों जलूस जा रहे सी ते लोग शाबाश उन्हां नूं भी देना जिहड़े अपने घरां चों अपनियां छत्तां तों फुल सुट रहे सन, इतरदद कीता है ना जी, फुल खरीदिया छत्तां ते गए सुटिया, ये अकीदत है, ये प्यार है। ये इस तरह नहीं फुल सुटे जाते, ये हमेशा प्यार नाल, मुहब्बत नाल ते अकीदत दे नाल। ये तुहाडा प्यार है यसू ले, ये तुहाडी अकीदत है, ये तुहाडी मुहब्बत है मसीह ले, जिहदे नाल अकीदत दे नाल असी जलूस च गए हाँ। तो बड़ा अच्छा लगा, अज बड़ी रूहानियत सी, बड़ी अकीदत सी, वरना बहुत सारा शोर शराबा इबादती जलूस होवे तां वी, लेकिन अज बहुत संजीदगी सी, बड़ी अकीदत सी, बड़ी मुहब्बत यसू दे वास्ते ते मसीह लई प्यार सी। मैं क्रिश्चियन कलोनी दी सारी कलीसिया नू मुबारकबाद देना जोरदार तालियां दे नाल। पहला हिस्सा जलूस। पाक अंजील च असी जदों पढ़ने आ ना, ते हमेशा असी पढ़ने आ यसू अपने शागिरदां दे नाल जा रहा है। आम तौर ते असी यसू नू चलदे फिरदे वेखने आ, अज पहली वारी है कि यसू नू किसे सवारी ते वेख्या है, पहली वारी है। ये इक्को ही एक मिसाल है कि असी यसू नू किसे सवारी ते बैठिया वेख्या है, अदरवाइज बाकी पूरी अंजील दे विच यसू हमेशा चलता फिरता ही है। जिक्रिया नामा बाप नामी आयत याद रह जाएगा जी, जिक्रिया दी किताब पुराने अहदनामे चो, जिक्रिया नबी दी किताब नामा बाप नामी आयत, बोल दियो कि केड़ा बाप है जी, हाँ नौ नौ, नामा बाप नामी आयत। पेशनगोई की थी सी जिक्रिया नबी ने, ते की क्या सी, ऐसे हूं देख तेरा बादशाह गदी के बच्चा पर सवार होकर आता है। अच्छा है, थोड़ी जी वजाहत हो जाए। पुराने वक्तां च मशीनां वाले सफर वालियां सहूलतां ते मौजूद ना सन, गड्डियां बसां ट्रेनां, दो वड्डे तौर तरीके सन सफर करन दे, एक घोड़ा ते एक गधा। जिहड़ी फौज हुंदी सी ना, वो जदों भी जंग करन जांदी सी, ठीक है, उन्हां नूं दौड़ दी जरूरत सी, केड़ी सवारी इस्तेमाल करदे सन, घोड़ा। सो घोड़ा जंग दा निशान सी, ते जिक्रिया नामे बाप च नामी आयत च पेशनगोई नहीं कीती गई
ऐसे उन देख तेरा बादशाह घोड़े पर सवार होकर आता है। इन्हीं पेशनगोई हुई की पेशनगोई हुई है कादे ते सवार हो के गधे दे बच्चे थे। जदों भी दो फौजां च जंग हुंदी सी ना ऐ असले उसले दे नाल इंज नहीं सी हुंदी, ठीक है, आम तलवारां डांगां सोटे इन्हां दे नाल जंग हुंदी सी। दो पासे फौजां खड़ियां हुंदियां सन, मैदान दे विच आ के लड़दे सन, जिहड़ा जित गया सो जित गया। जंग शुरू किवें हुंदी सी, एक फौज आस पासे ते एक आस पासे खलोती है, एक पास्यों हमला हुंदा सी, एक पास्यों घोड़े नूं दौड़ा के मैदान विच आंदा जांदा सी। सो घोड़े दा फौज चों निकल के अपनी फौज चों निकल के दरमियान चाना ऐलान सी कादा जंग दा, कादा ऐलान सी जंग दा। पर कदी कदी इंज वी हुंदा सी कि एक पासे फौज खलोती है दूजे पासे फौज खलोती है, एक फौज देखती है साढ़े को तो बंदे ही थोड़े ने, दूजे पासे तो फौज ही बहुत वड्डी है, जे असी लड़े असी तो मर जावांगे, तो मरन की लोड़ है। अगर ये पक्की गल है मारी जाए तो फौज फैसला कर लेंदी सी असी नहीं लड़ना, नहीं मरना ते नहीं लड़ना। इस वास्ते वो अपने पास्यों घोड़ा अगे नहीं सन दौड़ाते सुलह करन लई, क्योंकि अगर घोड़ा निकलिया तो एक आधा ऐलान सी जंग दा, लेकिन वो जंग करना ही नहीं चाहते, वो तो सुलह करना चाहते सन, क्योंकि उन्होंने फौज एडी भारी नहीं सी, सुलह करना चाहते सन। इस वास्ते एक दूजा निशान फौजा ने अपने दरम्यान ठहराया सी, और वो निशान की सी कि जदों एक पास्यों फौज चों घोड़ा निकले तो जंग, पर अगर गदा निकले तो फिर की है, सारे बोल दियो सुलह। इस वास्ते घोड़ा जंग का निशान तो गदा सुलह का निशान। हुण जरा गौर करिए कि यसू मसीह इस दुनिया च जंग करन आया सी, कादे वास्ते आया, सुलह करान मिलान वास्ते, खुदा नू इंसान दे नाल ते इंसान नू खुदा दे नाल ते इंसान नू इंसान दे नाल सुलह करान वास्ते। इस वास्ते यसू ने जेड़ा अपनी सवारी लई निशान चुने, सवारी चुनी है, वो जंग वाली नहीं, वो सुलह वाली है, सुलह वाली। अपने शिगिरदा नूं ना पाक जुमेरात तो पहले क्या क्या नाल दे पिंड जाओ, ते जदों जाओगे पिंड दे बाहर ही एक गधी दा बच्चा बन्या होएगा, उन्हूं खोल लियो, ते अगर जदों खोलन लगोगे तुहानूं कोई पुछेगा तो सही, ओ भाई ओ कादे लई खोलन डए हो, जदों खोलन लगोगे तुहानूं पुछणगे क्यों खोलदे पाए हो, उन्हां नूं एक जवाब देना, और वो जवाब की है, उन्हां नूं कहना उस्ताद को खुदावंद को दरकार है, बोल दो जरा खुदावंद को दरकार का मतलब की है, जरूरत, खुदावंद नूं दरकार, खुदावंद नूं जरूरत है। तो वह तुहानूं खोलन देगा, इहदा मतलब है पहले ही तय किया है, क्योंकि जदों शगिरद गए ने हाली जाके हाथ ही लाया तो आए ने, हाँ वेखी क्यों खोलते पाए हो, तो उन्होंने क्या है खुदावन नूं जरूरत है दरकार है, तो लिखा है उन्होंने खोलन दिता तो लियान दिता। इहदा मतलब है कि यसू ने पहले अपना मामला उस मालक दे नाल तय किया सी। इहदा मतलब की है कि यसू नूं अपने दुखां दा, अपने इस दुखां दे सफर दा पता सी, इस वास्ते क्योंकि वो पहले कही जांदा सी जरूर है कि इबन इंसान दुख उठाए
कत्ल किया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यसू ने पहले पेशन गोई कर देती सी, ते क्यों यसू नू पता सी? क्योंकि बाप ने यसू नू अपने बेटे नू इसे वास्ते कर लिया सी दुनिया च कि गुनाहगारा नू बचाए, बचान वास्ते, निजात देन वास्ते, मुक्ति देन वास्ते, रहाई देन वास्ते, मौत ते फतह पान वास्ते, जिंदगी देन ले। मैं आज जिक्रिया नौ नौ सिखाया, नावा बाप की बोलो जरा की है की सी? देख ऐसे हूं, देख तेरा बादशाह गदी के बच्चे पर सवार होकर आता है। एक और है यूहन्ना दस दास, दसवां बाप दसवीं आयत, और वो की है यूहन्ना दसवां बाप दसवीं आयत, मैं आया हूं कि वो जिंदगी पाए बल्कि, ये भी याद रखियो, दसवां बाप दसवीं आयत। ये मिशन है यसू का। अगर ये पता करना है ना कि यसू आया कादे ली सी, तो एको आयत बहुत है, यूहन्ना दसवां बाप दसवीं आयत, तो किए गए मैं आया हूं, बोलो जरा, मैं आया हूं कि वो जिंदगी पाए बल्कि कसरत। यसू ने कहा मैं जिंदगी देना आया, तो माड़ी मोटी जिंदगी भी नहीं, कसरत दी जिंदगी। कसरत का मतलब है खुली, जरूरतों में बात, फराख, खुली कसरत। लोग गधे नू लेके आए, उन्हें सजाया, लिखिया उहदे ते कपड़े पाए, तो यसू नू लेके यरूशलम च आए ने। यरूशलम च भाई क्यों आए ने? क्योंकि ईदे फसा शुरू हुई सी। ईदे फसा यहूदियों का जश्न आजादी सी। साडा जश्न आजादी किहड़े दिन हुंदा है? 14 अगस्त नू। ते कादा हुंदा है जश्न आजादी साडा? कि हिंदुस्तान ते पाकिस्तान ने अंग्रेजां दे कोलों इस दिन ते आजादी पाई, आजाद कौम बन गए। इस तरह ईदे फसा दा वह दिन सी जदों यहूदियों ने मुल्के मिस्र चो गुलामी चो रहाई पाई सी। इसलिए हर साल जिवें असी 14 अगस्त नू मनाने आ, खुशियां मनाने आ, वह भी अपना जश्न आजादी मनाते सन, पर उन्हूं वह कहते सन ईदे फसा। ये ईदे फसा मनाने वास्ते हर यहूदी साल च एक बार मनाई जाती सी। ते सारे यहूदी जेड़े 20 किलोमीटर 20 मील के अंदर अंदर रेंदे सन ना, उन्हां दा उन्हां उत्ते फर्ज सी कि वह अपने घर नहीं मनाएंगे ईद। कित्थे मनाएंगे? आके यरूशलम च। कित्थे मनाएंगे? अगर 20 मील तो तुसीं बाहर रहिंदे हो तुहाडे ते फर्ज नहीं, अपनी मर्जी नाल आ जाओ तो तुहाडी खुशी, पर तुहाडे ते फर्ज नहीं। पर जे तुसीं यरूशलम दे बाहर 20 मील के अंदर अंदर हो तो तुसीं घर नहीं मना सकते, कित्थे आके मनानी है? सारे बोलो एक बार, यरूशलम च। ये शरीयत सी, शरीयत सी। इस वास्ते यसु मसीह अपने रसूलों के नाल ये ईद मनाने वास्ते यरूशलम आया। तो जदों यरूशलम आया हर साल आंदा सी, लेकिन इस साल आना बहुत फर्क हो गया, बहुत फर्क। जदों आया तो शगिर्द पहाड़ ते यसू का नज़ारा वेख्या, तो कहन लगे खुदावंदा इत्थे ही रह चलीए, पहाड़ ते रह जाइए जिथे मूसा ते लियास आए ने, तेरा चेहरा नूरानी हो गया, असी यरूशलम नहीं जाना। तो क्यों नहीं यरूशलम जाना? इस वास्ते नहीं जाना क्योंकि अलियास ते मूसा जदों पहाड़ ते यसू दे कोल आए तो वो दे दुखां दी गलबात कर रहे सन जिहड़े यरूशलम च होने ने। शगिर्द कहंदे ने खुदावंदा आह नहीं दुख सहने, आह नहीं यरूशलम जाना, इत्थे ही रहना है। पर यसु मसीह ने कहा नहीं, जरूर है कि इबन इंसान दुख उठाए और कतल किया जाए। इस वास्ते अपने शगिर्दां दे नाल ईदे फसा जश्न आजादी मनाने वास्ते यसु यरूशलम च आया, और यरूशलम च आया गधे दे बच्चे ते कपड़े पाए, कपड़े पाए
यसू नूं उत्ते बिठाया ते लोग इंतजार कर रहे सन क्योंकि इस ईदे फसा ते लोकां दा एक ईमान सी कि मसीहा जिन्हें आना है जिन्हें पुराने अदनामे च पेशनगोईयां कीतियां ने वो आएगा ते सानू रोमियां कोल छुड़ाएगा। इस वास्ते इस मौके ते आलमे दीन कहिंदे ने कम अज कम यरूशलम च 3 लख लोग कट्ठे होए सन। किन्ने? हाँ 3 लख, थोड़े लोग नहीं होंदे 3 लख, बहुत। ते इस ईदे फसा ते कुछ ज्यादा ही लोग आ गए। ते क्यों आ गए? क्योंकि एक खबर चल रही थी कि वो मसीहा जिन्हें आना ना वो ऐसा लाएगा। इस वास्ते बहुत सारे लोग बहुत सारे नौजवान यरूशलम च आ गए कि अगर आज सानू रोमिया को आजादी मिलनी है तो सारे कट्ठे होइए लड़िए जंग करिए ते रोमियों दे कोलों आजादी हासिल करिए। एक बड़ी तादाद यरूशलम च आई। लोग यसू नू गधे दे बच्चे ते बिठा के उन्हू यरूशलम लैके आए ने। 3 कम कीते ने, उदे राज कपड़े बिछाए पहला कम, दूजा अपने हथां च की सी कादियां खजूर जिहड़ा ना खजूर दे टहनी फतह दा निशान है। कादा निशान है? हाँ फतह दा निशान है। इस वास्ते असीं खजूरां दीआं टहनियां लैंदे आ। मुकाशफा च लिखिया है ओ सारे जिहड़े बरे दे खून दा पाक कीते गए ने उहनां दे हथां च की सी? बोलो जरा, खजूर दीआं टहनियां। सो फतह मंदी दा निशान। सो लोग राज कपड़े विछाए हत्थां च टहनियां ने ते तीसरा नारे यसू नूं लैके आ रहे ने ते नारे की बुलंद करदे सन, होशाना होशाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से। बोलोगे मेरे नाल? होशाना होशाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। ईमान दे नाल जोश दे नाल अकीदत दे नाल देखो ना हाथ च टहनियां पकड़नियां अकीदत है, अपने कपड़े राह च बिछाने अकीदत है, फिर नारे मारदे होया अपने ईमान दा इकरार ते इजहार करदे होया कि खुदावन जिहड़ा मसीहा आना सी आ गया है। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। आया नारे मारदे आए। इस सारा उन्हां दा एक्शन की सी? उन्हां दा कपड़े बिछाना टहनियां पकड़ना नारे मारना इस गल दा इकरार सी कि तू साडा बादशाह है। अज असीं केड़ा गीत गा के सारियां गलियां चों लंघ के आए हैं? रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। असीं नारे मारे ने, हां जी नारे मारदे आया क्या खुदावंद तू बादशाह है बादशाह। भाई जान बह जाओगे जरा, इस बंदे नूं उत्थे पिछे ही रहन देना। 4 घरां उठ के गया है। रब खुदावन बादशाह है। बादशाह का मतलब है साड़ी जिंदगियां ते जिदा हुक्म चलता है जिदा रूल चलता है जिदी हकूमत है हुक्मरानी है। असी अज गीत गा के जो आए हैं ना जलूस च ते असी क्या है रब खुदावन बादशाह है। असी कह रहे हैं ऐ मसीहा तू मेरी जिंदगी का बादशाह, तू मेरे घर का, तू मेरे खानदान का बादशाह है। मेरी जिंदगी का बादशाह, मेरे खानदान का बादशाह तू वे। मेरी जिंदगी च तेरा हुक्म, मेरे घर च तेरा हुक्म, मेरे खानदान च तेरी हुक्मरानी होएगी। आमीन। हाथ खड़े करो जिन्हें वाकई नारे मार दे आए ने। आमीन। असी सारिया ने यरूशलम दे रहन वाले लोकां वांगू जलूस च नारे मारदे होए आए ते इकरार कीता है कि तू साडी जिंदगियां दा बादशाह है। लेकिन ये हजूम ये लोग जिहड़े यसू नूं
नारे मार के ले आए ने, उन्हें दिया उम्मीदा सन, और उम्मीद की सी कि ए बंदा ए मसीहा सानू रोमिया तो छुड़ाएगा, आजादी देगा, एक उम्मीद ना लाए ने। यह जरा गल याद रखियो, एक उम्मीद सी और उम्मीद की सी ये सानू आजादी देगा, लीडर बनेगा, आजादी देगा। कर की उम्मीद की सी जी लोगों ने, बोलो जरा यह की देगा सानू? हाँ पैसों की गल नहीं हो रही, आजादी। ये साडा लीडर होगा, मतलब ये अगे लगेगा, अही ये पिछे जंग होएगी, ये साडा अगे लीडर होएगा, असी ये पिछे होवांगे, असी लड़ांगे, रोमिया को आजाद हो जाएंगे। ये उम्मीद, इस उम्मीद के नाल उहदी राह च कपड़े बिछाए, इस उम्मीद के नाल उहनू गदी ते सवार किया, इस उम्मीद के नाल जलूस की सूरत चाहे ने, फिर इंतजार किया। सोमवार नूं इतवार नूं लै के आए ने, सोमवार नूं कुछ होया? कुछ भी ना। मंगल नूं कुछ होया? कुछ भी ना। बुध नूं कुछ होया? कुछ भी ना। उम्मीद की सी कि एलाने जंग करेगा, यसू लीडर है, एलाने जंग करेगा, ताई तो लड़ांगे, शुरू करेगा तो फिर ही है ना। इतवार नूं आया, इतवार तू कुछ भी ना किया, सोमवार नूं कुछ भी ना, मंगल नूं कुछ भी ना, बुध नूं कुछ भी ना। लोकी कहन लगे बंदा तो नहीं गलत लाया है, असी बंदा तो नहीं गलत लाया है, क्योंकि साडा ख्याल सी ये जिहड़ा मुर्दियां नूं जिंदा कर देता है, ये भुखियां नूं रोटी देता है, इहदे लई की मुश्किल है कि जंग लड़ के असी आजादी पावांगे, इहो ही है। पर जदों उन्हें कुछ भी ना किया तो उन्हें आख्या मगालता लग गया, भुलेखा लगा, गलती हो गई। इस वास्ते जुमे वाले दिन इन्हां सभना दे नारे बदल गए, जदों इन्हां दियां उम्मीदां पूरियां ना हुईयां उन्हां दे नारे बदल गए। इतवार नूं इह कहिंदे सन होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, ते जुमे नूं की कहिंदे सन? हाँ जी एक बना सारे बोल दियो, इसे सलीब दो, इसे ते नारे क्यों बदले ने? हुण दसो उम्मीद नहीं पूरी की थी, जेड़े जो सोच के उन्हें आता है उन्हें किया नहीं, जेड़ी उम्मीद इहदे कोल सानू है सी कि असी लड़ांगे आजादी करांगे हासिल करांगे, वो इन्हें कुछ भी नहीं किया। सो जदों उम्मीदा नहीं पूरियां हुई ते नारे बदल गए, होशना होशना तो इसे सलीब दे, इसे सलीब दे। मसीहत मेरे अजीजो अज बस ये गल करना चाहना हाँ, असी ना हर बंदे को उम्मीद रखी होंगी, एक बच्चों ने कि उम्मीद रखी होंगी, बोलो जरा, ते माँ प्यो ने कि उम्मीद रखी है? बच्चों ते माँ बाप ने बच्चों ते उम्मीद, ते बच्चों ने माँ बाप ते, बच्चों ने माँ बाप ते उम्मीद होंगी है सानू पालन गे, अच्छी तालीम देन गे, सानू पैदा किया ने, साड़ी परवरिश भी करन गे, माँ बाप करते ने, ते माँ बाप ने भी बच्चों ते उम्मीद रखी होंगी है कि इन्हें पालिया है, बुढ़ापे में की करेंगे, ये साडा की बनेंगे? सहारा। उम्मीद रखी है ना, उम्मीद तो दुनिया कायम है कि नहीं? कायम है। पर जदों जदों बच्चे मां बाप तो पूरे करते ने जी, मापे के मापे नहीं होंगे, क्यों हो जाते ने? नहीं होंगे, तो पुत्र के पुत्र हो जाते हैं। जदों मां बाप दियां उम्मीदां पूरियां नहीं होंदियां, जो उन्होंने सोच के बच्चों नूं पढ़ाया लिखाया, जवान किया, पढ़े लिखे किया,
जदों बच्चे माँ बाप नूं भुल जांदे ने, माँ बाप नूं छड़ देंदे ने, जो माँ बाप दीआं उम्मीदां ने ओह पूरियां नहीं हुंदियां ते माँ बाप भी मायूस हो जांदे ने ते कई वार नारे भी बदल जांदे ने। कदी कदी कह जांदे ने माँ बाप भी, जे सानूं पता हुंदा ना भई तुसां इहो जिहा निकलना है, आहो बाकी दी गल ठीक है ना, बाकी दी गल मैं नहीं कहिंदा, सबनूं पता है उम्मीद तां हर बंदे ने दूसरे बंदे ते उम्मीद लाई है, हर बंदे ने। मैं एक मिसाल देती है, माँ बाप ने बच्चों ते, बच्चों ने माँ बाप ते। मैं काहिन है ना, मैं कलीसिया ते उम्मीद लाई है ते कलीसिया ने काहिन ते उम्मीद लाई है, एक दूजे ने दूजे ते उम्मीदां लाईयां ने। ते उम्मीद की हुंदी है, मैं चाहना वा ए इंज हो जावे, मैं चाहना वा कि सारा क्रिश्चियन कलोनी इबादत लई इत्थे आ जा, ते जदों नहीं आउंदे, जदों आ जांदे ने मैं खुश, ते जदों नहीं आउंदे खुश, क्यों? मेरियां उम्मीदां नहीं पूरियां होईयां। इहदा मतलब है मैं चाहना वा क्रिश्चियन कलोनी दे लोक इंज चलन जिवें मैं चाहना वा, ते कलीसिया आंदी फादर उंज चले जिवें कलीसिया चाहती। पर जदों इंज नहीं हुंदा ते असीं सब कुछ कह देने आ जो नहीं कहना चाहीदा। इंसान जिहड़ा ना जदों उहनूं मिंट भी नहीं लगता वफादारियां तब्दील करन लग्या। असीं अपने घरां च, अपने महल्लियां च, हर जगह, हर जगह मिंट भी नहीं लगता आ सानू जो असी चढ़ते चढ़ते सूरज वाले रहने ना, जिन्होंने असी कहने मशरकी लोग, इन्हों तो उक्का ही टाइम नहीं लगता, इन्हों के नारे मिंट च बदल जाते हैं बहुत जल्दी। मैं भी एक छोटी जी मिसाल देन लगा ताकि असी इन समझ सकी। एक बार एक फैमिली आई, मिसाल देन लगा सिर्फ, कहन लगे फादर जी सानू ना एक लैटर दे दियो, एक ऐसा लैटर सी जिहड़ा मैं नहीं दे सकदा। चलो ते जस्टिस ना हो जाए खुल देना गल। वह कहन लगे साढ़े ना बेटे की तलाक हो गई है, निकाह करना है, वह आंदे ने कुआरे का ही लैटर लैके आओ। मैं क्या भरा मैं नहीं दे सकदा, कैथलिक कलीसिया सिर्फ एको और एक कुमारे का लैटर दिता जाता है। लो जी फिर ताड़ा की फायदा है, पानी पानी की बोतल पड़ी सी, कहना जी आ लो फड़ लो, जेड़ा बपतिस्मा दिता है अज फिर पानी सुट के ला लवो, क्योंकि अज के बाद नहीं जा ही ताड़े नाल। ते क्यों नहीं साढ़े नाल? तो साढ़ा काम नहीं किया, अभी तो बपतिस्मा लवाने लिए तैयार हो जाने, ला लो। वफादारियां, वफादारी है जी किसी के नाल दुख सुख च खड़े रहना, दुख सुख च। असी नहीं कहते भैन भरा केड़े ने, कौन होंगे ने भैन भरा? जेडे दुख सुख के बेच खड़े होन, नाल खड़े होन, ये तो नहीं है पर सुखा च साढ़े नाल ते दुखा च मूंह मोड़ लवो, नहीं ये नहीं। वफादारों ने जेडे दुख सुख दे विच ना खड़े होन। यसू का तजर्बा बहुत फर्क रहा, लोगों ने नारे बदल गया। पतरस कहता खुदावंद तेनू सारे भी छड़ जाएंगे ना, मैं नहीं छड़ांगा मैं लड़ांगा। एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, तीन बार उन्होंने कहा तू भी उहदे नाल है, ते की कहिंदा सी? दो वारां ते क्या मैं नहीं, ते तीजी वारां कसम भी खा गया, कहिंदा कसम खाकर कहता हूं कि मैं उसे नहीं जानता। यह पत्र से अगे अगे सी जड़ा वह यहूदा जिन्हों यसू ने वजीरे खजाना बनाया सी, उन्हें की किया सी? तीस सिक्कियां दे विच अपने उस्ताद नू, अपने खुदावन नू वेच दिता।
अब पैसों वेचन वाला काम मच्छर की लोगों का बड़ा काम खराब है। राती हाँ टीवी पर वेख्या बहुत सारे लोगों पैसे लैके वफादारियां तब्दील करना, जिते थोड़ा जा फायदा वेने ना उत्थे असी ना रिश्तियां नू वेने ना अकीदत नू वेने ना मजहब नू वेने ना ईमान नू वेने मिंट च फारग हो जाने। अज का इतवार सानू एक दरस देंदा पैगाम देंदा सबक दे रहा है दावत दे रहा है कि जान देने तक वफादार है तो जिंदगी का ताज मैं तुझे दूंगा। वफादारी दा वफादारी दी दावत है, सिर्फ चंगे टाइम च वफादारी नहीं मंदे च भी, सिर्फ सुखा च नहीं दुखा च भी, क्योंकि जिंदगी दुख ते सुख ने, जेड़ा पूरी जिंदगी किसी दे नाल खड़ा हुंदा है ओही वफादार है। अज अज दे दौर च दोबारा दोहरान लगा वफादारियां बड़ियां पतलियां हो गईयां। जो मियाँ एक लड़के तो लड़की की शादी होंगी है ना निकाह होंगे सब तो पहला कायन उन्होंने पते की कहता है एक दूसरे के साथ बोलो की रहने वफादार रहने। तो वफादारी का मतलब की है दुख सुख के विच नाल रहने। जिहड़े अल्फाज इस्तेमाल करना फादर मिनते हुए जबानी याद रहे 37 साल हो गए ने, दुख और सुख में गमों और खुशी में अमीरी और गरीबी में बीमारी और तंदुरुस्ती में वफादार रहने उदो सारे सिर हिला के इंज मारते हैं ध्यान ने जी छेती करो शादी हाल का टाइम हो गया तो साल नहीं गुजरता साल नहीं गुजरता कुछ होना शुरू हो जाता। वो कितने चला गया भी जो सिर मार रहा सी वफादारी दुख और सुख में वफादार रहना। आजकल खानदानी जिंदगी च वफादारी पतली हो गई है, मियां बीवी का रिश्ता जो है ना बहुत वो दोनों एक तन होंगे, अब से वो दो नहीं बल्कि एक तन है। पाक कलाम की गल है खुदा ने क्या अब से वो दो नहीं बल्कि एक तन है। एक तन का मतलब है बीवी अपने शोहर ना वफादार ते शोहर अपनी बीवी दे नाल वफादार रहे अपने तलकात च खानदानी जिंदगी च। अजकल दाएं बाएं बंदा अपने पासे ते ओ अपने पासे। अज वफादारी दा इतवार जे सारिया भैन भरावां नूं इही कहना चाहना एक दूजे दे नाल वफादार रहो। आमीन। माँ बाप के बच्चों भी यही कहना चाहना वफादार रहना वफादार रहना। तीसरा अपने ईमान च वफादार रहना। तुसा यसु मसीह बपतिस्मे दे विच अपना खुदावंद कबूल किया है वफादार रहना दुख च भी सुख च भी। यूदा किसी लालच ना आ जाइए तो यसु नू वेच दईए लालच में आके नहीं। किन्ने केस ने साढ़े को इर्द गिर्द फैले लालच में आके यसु नू भी वेच दें ईमान छड़ दें किते होर चले जाने। आमीन। नौजवानों नू कहना चाहना हर साल कहना वा जान जाए पर ईमान दा जावे ना पैसे दी खातर ना किसी होर वजह तो अपने बेटियां नू भी अपनिया बेटियां नू भी कहना चाहना यसु मसीह ने कहा सी जो जमीन पर मेरा इकरार करेगा मैं बाप के सामने उसका इकरार करूंगा पर जो जमीन पर मेरा इनकार करेगा मैं आसमान पर उसका इनकार करूंगा। जदों अपना ईमान छड़ देते हो ना किसी लड़के की खातर किसी लड़की की खातर इस ना तो सानू प्यार हो गया खेत मिट्टी हो गया क्योंकि 3 हफ्ते के बाद फिर घर ही तजर्बा है तजर्बा है। जदों यसु का इनकार कर दियो यसु भी इनकार करेगा पर जिहड़ा यसु का इकरार करेगा वो उहदे च बरकत भी पाएगा
ते खुश भी रहेगा। अज मैं नौजवानों नूं पैगाम देना चाहना, आ जिहड़े एवें इधर उधर फिरदे रहिंदे हो ना, लड़कियां नूं भी ते लड़कियां नूं भी कहना चाहना, मैं अब्बा वां, मैं फादर हाँ, मैं खुल के कह सकना वा, जिहड़ा यस्सू दा इनकार करदा कदी खुश नहीं रहेगा। आमीन। ते आ जिहड़ी मैं गल कहदी, मैं दौरानी नहीं है, एवें ना तीन दो तीन दिन दी आ सिर नूं चढ़ी हुंदी है, एवें दो तीन दिन च ही लै जांदी है, दो तीन हफ्ते दे विच ओह फिर ओही आंदे ने जिहड़े सारिआं नूं आंदे ने। आ जिहड़े बच्चिआं नूं कोई इहो जिही आवाज़ है ना, अज दा कलाम तुहाडे वास्ते दावत है, जान जाए पर ईमान ना जाए। मैं अज सारे अपने नौजवान बेटियां ते बेटियां लई दुआ करना, खुदावंदा इन्हां नूं बरकत दे, इन्हां नूं ईमान दी मजबूती दे, तां जो इह दुख सुख च अजमाइशां च भी, पैसों के लालचों भी या किसी होर लालच तो भी, जान जाए पर ईमान ना जाए। मसीह यस्सू के नाम उत्ते आमीन।